हां जी ते सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है दोस्तों। आज जिस पर्सनैलिटी की आप गल कर जा रहे हैं वह सिर्फ फिल्मों की ही क्वीन नहीं बल्कि असल जिंदगी भी क्वीन है। वह जो बेबाकी नाल बोलती है तो सुनने वाले भी हैरान हो जाते हैं। जिसने अपनी जिंदगी दियां मुश्किलों विचों ही सफलता के राह कढ ले अते अपने बनाए हुए नियमों ते ही वह चलती है। दोस्तों असी गल कर रहे हाँ कंगना रनौत की। अज जाणांगे उन्हां दे जीवन नाल जुड़ी हुई हर निक्की वड्डी गल। हर निक्की वड्डी गल मैं तुहाडे नाल अज सांझा करन दी कोशिश करांगी। तां दोस्तों मैनूं यकीन है कि जे तुसीं इह वीडियो नूं लास्ट तक देख लओगे तां कंगना तुहाडी वी फेवरेट बन जावेगी अते उस दी स्टोरी तुहानूं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी कर देवेगी। तां दोस्तों मेरा नाम है जी रमनदीप कौर ते तुसीं वेख रहे हो काउंटडाउन पंजाबी। वीडियो नूं शुरू करदे हां। दोस्तों कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 नूं भांबला हिमाचल प्रदेश इंडिया विच एक राजपूत फैमिली विच होया सी। कंगना रनौत दे फादर अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन हन। उन्हां दे मदर आशा रनौत एक संस्कृत टीचर रह चुके हन। कंगना रनौत जॉइंट फैमिली का हिस्सा सी अते उन्हां दे परिवार दे ज्यादातर लोग डॉक्टर या फिर IAS सन। कंगना भी डॉक्टर बनन दा सुफना किसे टाइम ते रखिया करदी सी पर नाल दी नाल कंगना ने फैशन दा भी काफी शौक पालिया होया सी। जिस तरह अज कंगना बुलंद तरीके नाल अपनी गल नूं रखदी है उसे तरीके नाल ही ए सिलसिला बचपन विच ही शुरू हो गया सी। जदों कंगना दे फादर बचपन विच उस लई डॉल अते उस दे भरा लई टॉय गन लिया करदे सन तां उस नूं इह बिल्कुल भी पसंद नहीं सी। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਸੀ ਅਤੇ DAV ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। पर 12वीं दे एक केमिस्ट्री दे यूनिट टेस्ट विच्चों फेल होण तों बाद डॉक्टर बनन दे इस इरादे बारे उस नूं एक बार सोचण दे मजबूर कर दित्ता सी पर फैमिली बारे सोच के उसने एक बार फिर तो पूरी कोशिश नाल ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट देण बारे सोच लिया। पर जदों ओह टेस्ट क्लीयर ना होया तां कंगना ने पक्के तौर ते ही सोच लिया कि हुण ओह कैरियर किसे होर फील्ड विच बनाएगी अते क्रिएटिव फील्ड दे विच ओह जरूर जाएगी। 16 सालां दी कंगना नूं उसदी मां विआह देना चाहुंदी सी पर कंगना आप कुछ करना चाहुंदी सी, कुछ बनना चाहुंदी सी। इसलिए उसने अपना कॉलेज अध विचकार ही छड़ दिता अते दिल्ली चली गई क्योंकि उसदी फैमिली उसनूं क्रिएटिव फील्ड विच जाण दे रूप विच एक्सेप्ट नहीं करना चाहुंदी सी। इसे कारण करके 16 सालां दी उम्र विच उसनूं घरों कढ दिता गया। खाली जेबां दुखी हिरदा पर डिटर्मिंड माइंड लैके ओह दिल्ली पहुंच गई। शुरुआती दौर विच उसनूं कुछ मॉडलिंग वगैरह करन दे मौके मिले अते नाल दी नाल कंगना ने दिल्ली विच ही अस्मिता थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया जिथे डायरेक्टर अरविंद गौर नाल ओह थिएटर करन लग पई अते हौली हौली उसने मॉडलिंग छड़ दित्ती ते अपना ध्यान थिएटर वल ही ला लिया। एक बार दी गल है कि थिएटर विच जदों एक एक्ट होना सी एन मौके ते उहनां दा मेल आर्टिस्ट नहीं आया। मेल आर्टिस्ट दे ना आउण कारण इकल्ली कंगना ने ही मेल अते फीमेल दा किरदार निभा के ऑडियंस दा दिल जीत लिया जिस तों बाद उसने एक्टिंग विच ही कैरियर बनाउण बारे सोच लिया सी अते मुंबई जाण दा इरादा पक्का कर लिया सी। इसे तरह ही जिंदगी विच एक होर टर्न आया अते कंगना जेब विच 1500 रुपए लैके मुंबई नूं रवाना हो गई। मुंबई आउण तों बाद कंगना ने ड्रामा स्कूल तों एक्टिंग तां सिख लई पर खाण पीण दी काफी तंगी आउण लगी अते दिन ब दिन खराब हुंदे जा रहे सन। कई कई दिन कंगना ब्रैड अते अचार दे सहारे ही जिंदी रही अते जदों उसदे फादर उसदी हैल्प करन लई आए तां उसने हैल्प लैण तों इह कह के मना कर दिता कि जिहड़ी जिंदगी विगड़ी है इस नूं ट्रैक ते भी ओह आप ही लैके आवेगी। बहुत ही लंबे समें तों
स्ट्रगल करदिया करदिया फाइनली कंगना की जिंदगी विच अनुराग बासु ने उन्होंने अपनी एक आ रही नवी फिल्म गैंगस्टर लई कंगना नू साइन कर लिया। 2006 कंगना ने गैंगस्टर फिल्म नाल बॉलीवुड विच डेब्यूट किया। पहले फिल्म दे नाल ही कंगना ने एक्टिंग दा जादू ते चलाया ही चलाया, नाल दी नाल उसने पहली फिल्म विच ही जबरदस्त एक्टिंग करके फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया, पर उसनू ओह एप्रीसीएशन अते इज्जत नहीं मिली जो ओह डिजर्व करदी सी। अते नाल ही इंग्लिश ते घट पकड़ अते अपने लुक्स नू लैके अनसर्टेन हुई कंगना ने मुंबई छड्डन दा इरादा बना लिया, पर फिर सोचिया हारना नहीं है, चलते जाना है। अते फ्यूचर विच आउण वालियां फिल्मां लई अते प्रोजेक्ट्स लई कंगना ने अपने आप नू इन्ना तैयार कर लिया कि कोई उहनां ते उंगल ना चुक सके, अते होया भी अजिहा ही। उस तों बाद उहनां दीआं जो फिल्मां आईआं ओह बहुत ज़्यादा सराहियां गईआं, मणिकर्णिका, पंगा, क्वीन, तनु एड्स मनू अते तनु एड्स मनू दा सीक्वल गैंगस्टर फैशन, अते मणिकर्णिका दे विच तां उसने डायरेक्शन भी कीती, बहुत सारियां वख वख भूमिकावां भी निभाईयां अते बहुत सारियां वख वख किरदार निभा के फिल्मां दे के उसने ये साबित कर दिता कि उस विच हर तरह दे शेड्स मौजूद हन। कंगना रनौत अपना हर काम बहुत ही परफेक्ट तरीके नाल करदी है अते असल जिंदगी विच ओह आमिर खान तो इंस्पायर्ड है। अपनी एक्टिंग स्किल्स नाल सब दा दिल जित लैण वाली कंगना नू खुद फिल्मां देखणियां पसंद नहीं हन, फिल्मां वेखण नालों ओह किताबां पढ़न दा शौक वधेरे रखदी है। इंडियाज हॉटेस्ट वेजिटेरियन दी लिस्ट विच शामिल होण वाली इह अभिनेत्री एक ट्रेंड कथक डांसर भी है। कंगना ने सिर्फ बॉलीवुड विच ही नहीं साउथ दीआं फिल्मां विच भी झंडे गड्डे हन। अपनी बाकमाल एक्टिंग नाल उस नू 3 नैशनल अवार्ड्स अते 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स नाल भी नवाजिया गया है। बेबाक तरीके नाल अपनी हर गल रखण वाले कंगना लई मुसीबतां दा दौर भी कदे रुकिया नहीं अते बहुत सारे क्लेम्स, एलीगेशंस अते कंट्रोवर्सीज दा ओह हिस्सा रही है। एक समय ते कंगना ऋतिक रोशन नू बहुत पसंद करदी सी, उस नाल व्याह करवाना चाहती सी, पर जो ऋतिक रोशन कोलों पुछया गया तो उन्होंने ना कर दिती। इस तों बाद कंगना काफ़ी दुखी अते डिप्रैसड भी हुई, कई कई रातां ओह रोंदी रहिंदी सी अते डिप्रैशन विच भी चली गई सी, पर हौली हौली उस गल्लां दे विचों ओह निकली अते अपनी नॉर्मल जिंदगी विच आ गई। अते हाल ही विच कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत दे मर्डर मिस्ट्री केस विच भी काफ़ी एक्टिव सी, जिसने बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म अते ड्रग्स बारे इन्हां शब्दां नाल लोकां दी जान पछाण करवाई सी। नाल दी नाल सुशांत दी जस्टिस लई भी ओह हमेशा अगे रही, जिस तों बाद कंगना बहुत सारियां मुसीबतां दा सामना भी करना पिया सी। उसने स्टेटमेंट दिती सी कि मुंबई उस लई अनसेफ है अते शिवसेना वालों भी काफ़ी जवाबां दा सामना उसनू करना पिया सी। स्टेट मिनिस्टर अनिल देशमुख ने तां इत्थों तक कह दिता सी कि कंगना नू मुंबई विच रहण दा कोई हक नहीं है अते कंगना ने मुंबई नू तां मिनी पाकिस्तान तक कह दिता सी, जिस तों बाद यह मुद्दा काफ़ी वड्डा हो गया सी अते कंगना दीआं मुश्किलां बहुत वध गईआं सन, तां उस दी सुरक्षा लई Y+ Security भी उसनू दित्ती गई सी। हाल ही में कंगना का ऑफिस मुंबई में इलीगल कंस्ट्रक्शन कह के तोड़ दिता गया सी, पर फिर भी कंगना डरी नहीं अते मुंबई पहुंची सी। कंगना रनौत की भैन रंगोली रनौत ते एसिड अटैक होने तो बाद भी कंगना ने उसका साथ नहीं छड़िया सी। दोस्तों कंगना रनौत की जिंदगी बहुत ही इंस्पायर करती है अते ये समझाती है कि किसी भी सिचुएशन में डरो ना, बल्कि उस डर चो निकल के अजिहे बन के दिखाओ जिस नू देख के हर कोई तुहाडे कोलों कुछ सीखे। तां दोस्तों यही सी जानकारी कंगना रनौत बारे। मैनू विश्वास है कि तुहानू ये जानकारी अते स्टोरी काफ़ी चंगी लगी होएगी। जे तुहानू कंगना रनौत की सच्चाई अते बेबाकी नाल बोलन दे तरीके चंगे लगते हैं तो इस वीडियो नू लाइक, शेयर अते कमेंट जरूर कर देना। इस तरह दीआं होर इंस्पिरेशनल अते मोटिवेशनल वीडियोज़ वेखण लई तुसीं तुहाडे अपने चैनल काउंटडाउन पंजाबी नू सबसक्राइब जरूर कर लेना, नाल दी नाल नोटिफिकेशन बैल जरूर ऑन कर लेना।
मैं मिलती हाँ तुहानू इसे तरह की कोई होर मोटिवेशनल वीडियो विच। तद तक लई तुहाडा कीमती समा देण लई अते वीडियो वेखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।